एक मैं भी लीड हूँ, ऐसा होता है ना फिर कि पांच लीड हीरो हैं, पांच लीड हीरोइन हैं, है ना। ठीक है ओके, हां स्टार्ट करें सर। सर रेडी? चलिए सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, अच्छा इनसे शुरू करते हैं, आप अपना परिचय दें और इनक्रेडिबल इंडिया में आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार का आपका किरदार है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। जी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का। और मेरा नाम नागेंद्र कुमार, मैं प्रयागराज, जो इलाहाबाद अब प्रयागराज में तब्दील हो चुका है, तो मेरा जो है इस फिल्म में ये डेब्यू है। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो हैं मिस्टर राज सिंह राजपूत और प्रोड्यूसर मिस्टर मिसेज रेणुका सिंह राजपूत मैम। और यह एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जो कॉमेडियन और हॉरर पैट्रियोटिक इन सब पे। और इस फिल्म में जो है बहुत ही बॉलीवुड के स्टार कलाकार हैं, जैसे गजेंद्र सिंह चौहान जी हैं और स्टार कॉमेडियन राजपाल यादव जी हैं, मुश्ताक खान सर हैं, अली खान सर हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस फिल्म का 25% इस कमाई का जो भी बेनिफिट होगा उसका 25% देश के जवानों को दिया जाएगा, जिनकी जो अभी पुलवामा हमले में शहीद हो चुके हैं। और वही उतना ही हिस्सा देश के किसानों को दिया जाएगा, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग सोचते हैं। अगर आज के समय में देखा जाए तो किसानों के वजह से देश की 70% जो आर्थिक कंडीशन है वो किसानों के वजह से ही चलती है, लेकिन इनके तरफ किसी का नज़र नहीं जाता है। और इस फिल्म का जो फर्स्ट शेड्यूल है वो हो चुका है, लगभग अगर देखा जाए तो 98% फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड शेड्यूल होना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है जो समाज पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगी। थैंक यू। इसमें आपका किरदार किस प्रकार का है? जी मेरे किरदार की जहाँ तक बात है, इस फिल्म में 5 लीड हीरो हैं जिनमें से मैं भी एक हीरो हूँ, ठीक है। और मेरा इसमें कैरेक्टर जो है वो एक इंस्पेक्टर का है। तो वो कौन सा वाला इंस्पेक्टर है, मतलब रिश्वतखोर नहीं? सर देखिए इसके बारे में तो कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है वो काफ़ी आनेस्ट इंस्पेक्टर है, वो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। अच्छा सर, आप अपना परिचय दें और इस फिल्म से कैसे जुड़े और किस प्रकार का आपका किरदार है बताइए। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया सब मीडिया वाले भाइयों को सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आप लोग हमारे बीच में आए। और मेरा नाम राजू अरसाना है, मैं ग्वालियर MP से हूँ। और मैं ग्वालियर MP से हूँ और मैं पिछले एक साल पहले राज सर से मिला, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इस फिल्म में दी। इस फिल्म का जो टाइटल है इनक्रेडिबल इंडिया, एक कॉमेडी फिल्म और एक हॉरर मिक्स फिल्म है, देश के ऊपर फिल्म है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस प्रोडक्शन को, RR फिल्म को, और हमारे जो प्रोड्यूसर में मैं रेणुका राजपूत से, और हमारे जो रिस्पेक्टेड जो सीनियर जो मेरे मतलब मैं क्या बोलूँ मेरे बड़े भाई छोटे भाई सॉरी तो बड़ा हूँ उनसे, उन्होंने मुझे मौका दिया। डायरेक्टर भी है इस फिल्म के और प्रोड्यूसर भी है मिस्टर राज राजपूत सिंह जी, तो मैं धन्यवाद देता हूँ उनको। और इस फिल्म के मुझे मौका दिया इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि मुझे एक इस फिल्म में एक नेगेटिव करेक्टर है मेरा, और वो करेक्टर मैं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा करेक्टर है वो मेरे लिए, क्योंकि मेरी ये पहली फिल्म है। और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने बैनर को कि जो कि इन्होंने जो देश के सॉरी देश के सैनिकों के लिए कुछ सोचा है कि देश के जो सैनिक शहीद होते हैं उनके परिवारों को लिए कुछ फिल्म का जो इनकम होगा उसका 25% वो सैनिकों को देंगे, उनके परिवारों को देंगे, और किसानों को जो किसान एक गरीबी के कारण और फांसी लगा लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं उनको भी देंगे। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी वो है अपॉर्चुनिटी। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं एक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि बड़े स्टारों के साथ काम करने जा रहा हूँ, जिसमें हमारे बॉलीवुड के एक रिस्पेक्टेड सर अली खान सर हैं और मुश्ताक खान सर हैं, बशीर खान सर हैं, दिलीप यादव सर हैं, गजेंद्र चौहान सर हैं, गुलशन पांडे सर हैं, कमाल मलिक सर हैं। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी और स्टार हैं जो इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, मैं उनके साथ काम करने जा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ RR फिल्म को, और हमारी इस फिल्म के राइटर हैं मोहम्मद अतीक भैयान, और सारी वर्ल्ड टीम को धन्यवाद देता हूँ, सारी मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। और कोई है धन्यवाद देने के लिए सफाई वाला? सभी को धन्यवाद देता हूँ इस मूवी से जुड़े। यस
क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इनक्रेडिबल इंडिया जो फिल्म है उसके बारे में, और आपका क्या किरदार है, क्या योगदान है इस फिल्म से, कैसे जुड़े हैं, और अपने किरदार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा ये जो फिल्म है इनक्रेडिबल इंडिया, ये एक थ्रिलर फिल्म है, और इसमें मैं मर्जिना का कैरेक्टर कर रही हूँ जो कि एक आतंकवादी है। और फिल्म की स्टोरी जब आप लोग देखेंगे तब पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं। और शूट के दौरान बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, अच्छे से हमारा शूट कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट शेड्यूल हो गया, सेकंड शेड्यूल भी हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट शेड्यूल का तो एडिटिंग भी हो गया है। सर, आपका परिचय और इस फिल्म से कैसे जुड़े हैं, आपका किस प्रकार का किरदार है इनक्रेडिबल इंडिया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें आपने हिस्सा लिया, क्या कुछ कहना चाहिए? ये सबसे पहले तो मेरा नाम प्रशांत पुंडीर है और मैं पिछले 3 साल से मुंबई में हूँ, 7-8 साल मुझे एक्टिंग फील्ड में हो चुका है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं राज राजपूत जी, तो बड़े भाई के समान हैं, उनसे मेरी मुलाकात 3-4 साल पहले हुई थी, तो तब हम प्लान कर रहे थे कि कुछ अलग किया जाए, और उन्होंने मुझे इस मूवी में मौका दिया है नेगेटिव रोल प्ले करने का, जिसमें मैं इसमें एक नेगेटिव प्ले किरदार कर रहा हूँ। तो मूवी का नाम इनक्रेडिबल इंडिया है। इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं रेणुका राजपूत जी हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं, बहुत ही सच्चे लोग हैं, बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, अभी आपने कहा कि नेगेटिव रोल है आपका भी, एक आतंकवादी का किरदार कर रही हैं, तो कितना आपको स्टडी करना पड़ा रियल लाइफ में, कभी आतंकवादी बने नहीं बने ऐसा कुछ हुआ या स्टडी किया? हाँ जी। तो क्या स्टडी किया आपने अपने किरदार को लेकर? थोड़ा टफ तो था, क्योंकि हम एक तो आतंकवाद से क्या बोलूँ, बहुत दूर से कोई नाता नहीं है, हम एक नॉर्मल लोग हैं, और इसके लिए हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ी, तो जिसमें हमारे राज सर रेणुका मैम ने बहुत सारी मदद करी, हमसे ट्रेनिंग भी दिलवाया। सर, आपका किरदार जो नेगेटिव है वो क्या है, जरा थोड़ा सा जानकारी दें। सर, मेरा जो इसमें जो किरदार है वो एक आतंकवादी का है, आतंकवादी का कैरेक्टर इसमें प्ले कर रहा हूँ, जो एक तरफ अपने देश से मोहब्बत भी करता है, दूसरे देश के खिलाफ उसका गुस्सा भी, तो इतना कुछ है, ज़्यादा तो मैं बयान नहीं कर सकता, ज़्यादा तो बता नहीं कर सकता जितनी भी इसकी पढ़ते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आपके सामने कोई ट्रेलर रिलीज होगा या फिर कुछ मूवी से रिलेटेड कुछ बातें आपके सामने आएंगी तो आपको पता भी चल जाएगा किस तरह का किरदार रही है। कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? मुश्ताक जी हैं, अभी अली खान जी हैं, इसे तमाम दिक्कत इसमें नज़र आने वाले इस फिल्म में, उनके साथ काम करके कैसा लगा आपको, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके, क्योंकि ये बहुत ही परिपक्व अभिनेता कहलाए जाते हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो इनके साथ हमारा पहला एक्सपीरियंस था काम करने का, इनसे बहुत कुछ सीखा, इनका जो अनुभव था हमारे लिए बहुत काम आया, इनकी जो टाइमिंग थी, इनका जो डिसिप्लिन था, उससे बहुत कुछ हम जैसे जितने भी नए अभिनेता हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा। जंगल में जाके शूट करना, वो भी दिन रात सिर्फ वहीं पे पड़े रहना, खाना पीना ये सब उन्हीं के साथ चलते रहना, तो काफी मजा आया इनके साथ। मैडम, एक और कलाकार हैं राजपूत, अपना क्या कहते हैं, रामपाल यादव, राजपाल यादव जी, हाँ जी, आपका कैसा रहा लोगों के साथ काम करने का, कोई ऐसा वाकया शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी, मेरा तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि राजपाल जी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, जब शूट के दौरान वो मेरे बहुत लोग पसंद करते हैं। हाँ, मैं भी उनका एक फ़ैन हूँ, और जब वो सेट पे आए और मेरे साथ सीन था उनका, तो मेरा नेगेटिव कैरेक्टर था तो मुझे गुस्से में डायलॉग बोलना था, बट जैसे वो मेरे सामने आए मुझसे बोला ना जाए मुझे हंसी आ जाए, क्योंकि उनका भूलभुलैया वाला सीन मुझे याद आए, तो वो मुझसे पूछने लगे क्या प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने बोला सर मुझे आपकी भूलभुलैया सीन याद आ रहा है, तो बड़ा मज़ेदार था मेरे लिए, तो बट हम कर गए। जरूर सर, सबसे पहले तो विजय सिंह पटेल
प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सभी मीडिया बंधुओं को प्रणाम करता हूं जो आप सब अपना अमूल्य समय देते हैं हम लोगों के साथ, और हम लोगों को यहां से इस बातों को जो है अपने अंदर ले करके पता नहीं किस दुनिया तक फैला देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम आप सबको। और यह हमारी हिंदी फिल्म है इनक्रेडिबल इंडिया, इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रेणुका सिंह राजपूत व राज सिंह राजपूत जी, और डायरेक्टर हैं राज सिंह राजपूत जी। और आप सबको बताना चाहते हैं इस फिल्म में राजपाल यादव जी हैं, गजेंद्र चौहान जी हैं, मुश्ताक खान, अली खान, ऐसे बहुत सारे एक्टर हैं जो है मार्केट के, जो अपने बॉलीवुड के अच्छे अच्छे कलाकार हैं, साथ ही साथ हम लोग हैं भी। और आप सभी को बता दें इस फिल्म में हम जो है हीरो का किरदार कर रहे हैं, और फिल्म की शूटिंग जो है 98% तक हो चुका है और उसका एडिटिंग भी हो चुकी है। बहुत ही जल्द यह फिल्म जो है सिनेमा घरों में प्रदर्शित की जाएगी। और इस फिल्म की एक खास बात है सर कि जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं जो रेणुका राज राजपूत फिल्म बैनर के ऑनर हैं, वो जो है इस फिल्म के इनकम से 25% जो है जो शहीद हुए जवान हैं उनके घर जो है सहायता के रूप में देंगे और किसानों के यहाँ देंगे। 25% जो है आए इस फिल्म से वो दान के रूप में नहीं, सहायता के रूप में देंगे जवानों के घर जो शहीद हो चुके हैं उनके घर और किसानों के घर। ये सबसे बड़ी खूबी है हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर व डायरेक्टर जी का। चलिए सर आप कुछ कहेंगे? मैं आप सब लोग को बस धन्यवाद कह सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ। एक काम तो बहुत यहाँ पे आया, आपका वेलकम है सर। आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पहले अपने परिचय दीजिए। यस, थैंक यू सो मच। माई सेल्फ एडिविज फ्रॉम इथियोपिया अफ्रीका, और मैं बहुत साल से इंडिया में हूँ, और मैं अभी दैट्स इट नेक्स्ट साल। आप अफ्रीका से हैं और आप बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया फिल्म में हमने सुना है और उसी का इंटरव्यू भी चल रहा है। यस, तो इस फिल्म में आपको कैसे काम मिला और आपका अनुभव कैसे रहा? हाँ, मेरा कनेक्शन कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ से हुआ, विनय कुमार सर की द्वारा। उसके बाद ऑडिशंस एंड डायरेक्टली मुलाकात हुई राज राजपूत सर के साथ एंड रेणुका मैम के साथ, उसके बाद मौका मिल गया इस फिल्म में काम करने के लिए। तो इस फिल्म की कुछ यादें आपकी ऐसी हैं जो शेयर करना चाहेंगी, जो अभी आपकी शूटिंग हुई है हमने सुना है? Yeah, definitely, definitely. I have so many experience in this movie because it's my startup for me, because I did my two short movies already and songs concentration on my album song and all. But for me, it's my first experience to work with Raj Rajput sir. So it is a big experience and some challenges also. आपसे एक और सवाल है मैम कि हमने सुना है अभी जैसे इंटरव्यू हो रहा था कि इसमें 5 लीड विलन हैं और 5 लीड हीरो हैं और 5 ही फिर उनके साथ हीरोइन है, क्या इसमें सच्चाई कितनी है? आप तो काम कर चुके हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली, 5 हीरोइंस एंड 5 हीरोज आर देयर इन दिस मूवी एंड मे बी उस लीड में हूँ। ओके, आगे आपको इस फिल्म से कितनी उम्मीद है? आपको 100% उम्मीद है और हम पूरा प्रमोट करेंगे अपना मूवीज को, डेफिनेटली ऑन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। एक सवाल और है कि हमने सुना है कि फिल्म 5 भाषाओं में बनी है, तो क्या ये बात इस पे क्या बोलना चाहेंगे? या बहुत यूनिक चीज़ है, इट्स वेरी डिफरेंट एंड That's good thing. 5 नहीं, धीरे धीरे हम लोग 10 भी बनाएंगे सर। तो आपके जैसे अभी आपने बताया कि विनय कुमार जी हैं जिन्होंने उसको किया, yeah. और इनक्रेडिबल इंडिया में आप कर रहे हैं, तो इस फिल्म का कुछ % देश के जवानों को और किसानों को दिया जा रहा है, इसके बारे में आपको कैसे महसूस हो रहा है? Definitely. When I was listening, I was really surprised and I would like to share to everyone also, because in this movie 25% of profit is goes to for martyrs and the family of farmers who suicide themselves due to poorness. That's special thing for me and so thankful for this kindness to Renuka Rajput ma'am and Raj Rajput sir. थैंक यू सो मच। एक चीज आखिरी सवाल है आपसे, आप फॉरेन कंट्री से और इंडिया में आप काम कर रहे हैं और हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं जैसे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो अभी यहाँ की मीडिया आपको सपोर्ट कर रही है, यहाँ की जनता, तो मीडिया को और जनता को क्या बोलना चाहेंगे आप?
मीडिया को बोलूंगी हमेशा जुड़ते रहें, हमेशा हम लोग खुश में मतलब मिलते रहें. मेरा आई हैव सो मेनी मूवीज व्हिच आई साइंड, 3-4 मूवीज आई हैव ऑलरेडी ऑन क्यू, बिग प्रोजेक्ट मूवीज. सो ऑलरेडी वी हैव अ कनेक्शंस फॉर एवर आई थिंक सो. सो थैंक यू फॉर मीडियास, थैंक यू सो मच. काफ़ी कुछ कहने को. सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी मीडिया लोगों का, और आप सभी जो जनता जो सामने से देख रही है जो सुन रही है, और साथ ही साथ सबसे बड़ा धन्यवाद रेणुका राजपूत जी और राज राजपूत जी को, जिन्होंने इतना बड़ा एक बेड़ा उठाया और इस मूवी को आगे तक ले जाने के सक्षम हुए. क्योंकि उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम शशांक सैनी जय है और मैं इस मूवी का एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर में राज जी के साथ में हूँ. ये मूवी और इसका जो क्रू पैटर्न है, ये बहुत अच्छे से संभाल के बहुत अच्छा इतना बड़ा क्रू ले जाना एक आम बात नहीं होती, एक मामूली बात नहीं है, जिसे इन्होंने बखूबी निभाया. राज राजपूत जी ने बहुत बड़ा क्रू बहुत आसानी से, जिसे हम सोचते हैं कि नहीं बहुत ये करना मैनेज करना, मुस्कुराते हुए हंसते हुए बहुत आसानी से इस पार्ट को लेकर के चले हैं. और इनक्रेडिबल इंडिया, सच में इनक्रेडिबल इंडिया मूवी जो इनक्रेडिबल है तो इनक्रेडिबल ही है. और इस मूवी का बनते वक्त बहुत सारे पार्ट आए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती, सब कुछ आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ हंसी खुशी और बहुत आसानी से गया. इसमें बहुत अच्छे बड़े हमारे कलाकार जिसका सभी नाम ले रहे हैं, राजपाल जी हो गए, अली जी हो गए और मुश्ताक जी हो गए, ऐसे बहुत ही चौहान क्या नाम है, बहुत सारे स्टार कास्ट हो गए, गजेंद्र चौहान जी हमारे, वो सब इन्होंने भी बहुत बखूबी इसका तारीफ़ किया है, उसको साथ में लेकर के चलने की बात कही. और इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में और मैं क्या कहूँगा कि इसका जो अभी रिसेंटली 25% प्रॉफिट का 25% गरीब किसानों को जो जिन्होंने अभी हाल ही में पता चला बहुत न्यूज़ में आया सुसाइड कर रहे हैं, उनको देने का प्रण लिया. फिर साथ ही साथ में हमारे देश के जवान जो शहीद हुए हैं जिनको मे भी कुछ हेल्प नहीं पहुँच पाई, तो उसे एज अ हेल्प के तौर पर राज राजपूत जी और ये इस RR बैनल की तरफ से दिया जाएगा. तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको निभा पाना, पहली बार कोई कोशिश कर रहा है, पहली बार कोई शुरू कर रहा है. तो दिस इज़ इनक्रेडिबल इंडिया और इनक्रेडिबल इंडिया की टीम लुकिंग गोइंग वेरी गुड, आई थिंक सो इज गोइंग टू फार फॉर द. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.